नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हार्ड टाइम्स चल रहे हैं भाई, ये भी कट जाएंगे। और हार्ड टाइम से याद आया कि हार्ड गाने का रिप्लाई भी आ चुका है कृष्णा की तरफ से, जिसका नाम है कृष्णा टोक्यो ड्रिफ्ट फ्री स्टाइल। ये गाना आ तो 15 तारीख को ही गया था, लेकिन मैं अभी सुन रहा हूँ फर्स्ट टाइम। पर मेरे को इतना पता है कि इसमें टोक्यो ड्रिफ्ट की बीट यूज़ की गई है और ये सबलिमिनल डिस है, ये मेरे को 110% श्योर है, मतलब पता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए गाना सुनते हैं। पर उससे पहले मेरा भी गाना आया है, प्लीज़ डू चेक इट आउट, जिसका नाम है लव लेटर। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर पसंद आए तो। बाकी थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए उस गाने को। अब मैं सुनता हूँ ये गाना। 3, 2, 1 बातें तो मैंने कभी करी है ज्यादा नहीं, करे मुझे टेस्ट तू करी है चाहता नहीं। सुनी तेरी बातें पर वादे ने बाता नहीं आया, जब से मैं गेम में कहीं भी जाता नहीं। परिवार वाले बोले मुझे कर तू जो करना है, क्योंकि पता बेटे का कलम ना कभी हल्का है। रैप के नाम पे चकमा दे के तू चलता है, तुझसे अच्छा फ्लो करे घर का जो नलका है। तुझसे ज्यादा करे फ्लो अच्छा है जो मेरे घर का नकल। भाई साहब करे टैक्स तो दे कि सो गुड, सुन मेरी बात बेटा बोलना चोर, कुछ शक्ल पे ही बोल नहीं तो रख ले होश चुप। फ्रॉम द रैप लेजेंडरी फॉर द फर्स्ट डे, दे दो मेडिकेट अप्लाई करो थोड़ा फर्स्ट डे। बर्थडे इज विद द बेस्ट डे, सब फर्क नहीं पड़े करूं पार्टी ऑन अ थर्सडे। मेरा नाम सुनने मिले तू जहां भी जा, मेरा आर्ट काफी साचे से माफिया। वे ऐसे तो पा लगू निशा भी यह हरामिया के नाचे दरबार में जैसे पाकीजा। जाती क्या गुड़गांव मेरा शहर है, छोरा गोरा पर लाइफ अनफेयर है। अभी भी नरम इन्होंने करे ना करम, एक बार चके कलम तो सारे चिखे ये जहर है। चली चली इनकी चली चली, बातें हो रही मेरी गली गली, कर रहे थे बातें ये बड़ी बड़ी, फिर सड़ी सड़ी जब बली चढ़ी। चली पड़ी कलाकारी में दम का, कृष्णा है लेखक एक अलग किस्म का, किया है बॉडी बिन से कर जिस्म का। जो है ये साल वो मेरा विजन का, ग्रेव करी डिग लगू अंडरटेकर, बन तू फेकर राजा भाई बन तू लेकर, संतु हेटर बन तू चेप और बन तू देख, जब आऊं तेरे कैदान में बंबू लेकर। यू कैन नॉट राइम लाइक मी ब्रो, आई डोंट नो गैंग लाइक डी ब्रो, दिस बिच बी स्निचिंग नेवर बी स्टिकिंग टू द जी कोड, आई बी बैक इन इंडिया डूइंग इट फॉर माय पीपल। आवाम के लिए बहुत सही, बहुत सही, बहुत बहुत छोटा था पर और क्या लोगे यार, मतलब तुरंत बहुत मैंने बहुत जल्दी रिप्लाई आ गया था इस चीज़ का। और सबलिमिनल है, नाम नहीं लिया है पर ये ऑफकोर्स सबको पता है, हम सबको पता है ये एमवी के लिए है। और टोक्यो ड्रिफ्ट की बीट यूज़ की गई है, तो मे बी हो सकता है शायद चैन के को भी वार्निंग हो, ये मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर। पर This guy has some serious bars, man. This guy is lyrical genius. I've said it multiple times. मैं दोबारा बोल देता हूँ, इस बंदे के पास जो इसकी ताकत है, जो इसका ब्रह्मास्त्र है, वो इसकी लिरिक्स हैं कतल, मतलब बहुत सही, बहुत सही। और अभी ये गाना अच्छे से मिक्स मास्टर और ये सब नहीं हुआ था, वरना काफ़ी सारे bars हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ता तो और ज़्यादा मज़ा आता और आपको और ज़्यादा समझ, मतलब आपको क्या, हम सबको और ज़्यादा, जैसे कहते ना ओ वो वाली फीलिंग आती। दिस गाय इज किलिंग इट, दिस गाय इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द वेरी फ्यू ग्रेट बीफ आर्टिस्ट। ही इज़ अ बीफ रैपर नाउ, इसको बोल सकते हैं। तुरंत जवाब आता है, तुरंत। बियर्ड गैंग का नहीं आया पर मैं चाहता हूँ बियर्ड गैंग भी आए। और हम इससे बहुत लोग पूछते हैं वाई डू यू लाइक डिस कल्चर सो मच। मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ डिस कल्चर नहीं होता, और ऑफ कोर्स रोहन कैरियप्पा नहीं होता, शाउट आउट टू रोहन कैरियप्पा। तो आपको नहीं समझ आता कि ये आर्टिस्ट क्या चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। डिस कल्चर ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ द आर्टिस्ट, लेकिन दिस इज अ, मतलब ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक ही मसल को अगर बार 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 डेली ट्रेन करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही ऐसा ही बीफ का है कि आप, यू नीड टू फ्लेक्स इट वंस इन अ वाइल। मैं ज्ञान बांट रहा हूँ भी, लपेट लो कि यू नीड टू फ्लेक्स इट वंस इन अ वाइल, जब आपको बीफ करके या यू हैव टू क्लेम योर स्पॉट या यू हैव टू रेज योर वॉइस वंस इन अ वाइल इज़ करेक्ट। लेकिन अगर आप हर चीज़ के मुद्दों को लेकर सिर्फ टैंड करते रहोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। कृष्णा इज डूइंग इट ग्रेट राइट नाउ। इसने 2020 में सोचा था सबकी बजाऊंगा एंड ही इज काइंड ऑफ डूइंग दैट, मुझे ऐसा लगता है और मेरी ऐसी प्रिडिक्शन है और मेरा ऐसा मन भी है कह सकते हो कि मिड 2020 के बाद आई रियली वॉन्ट हिम टू किल द सीन विद हिज मेलिडियस वॉइस, या फिर प्यार के बारे में लिख दे भाई, या फिर मोटिवेशन के बारे में लिख दे, या लाइफ के बारे में लिख दे। अपार्ट फ्रॉम बीफ, अगर ये कुछ और तगड़ी चीज़ करता है अपार्ट फ्रॉम बीफ एंड फ्लेक्सिंग,
ये दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, तो मेरे को बड़ा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बीफ के मामले में किल्ड हिज अपोनेंट्स, बहुत तगड़ी चीज़ की है, मतलब बहुत तगड़ा रैपर है। इसी के साथ आई एम डन विद दिस रिएक्शन। कृष्णा टोक्यो ड्रिफ्ट फ्री स्टाइल, ये दिस नहीं है, इज़ अ किलर ट्रैक। दैट्स इट फॉर दिस रिएक्शन। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके जाना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाना, हो सकता है अगली बार मैं आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। बाकी बस ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, पीस, बी एट योर होम, बी सेफ़।